नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर के पांडे और आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फास्फोरस के बारे में। फास्फोरस का ये तीसरा पार्ट है दोस्तों। इसके पहले दो पार्ट रिलीज हो चुके हैं, इसको आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। इसमें हम आगे के बारे में बात करेंगे कि फास्फोरस के पेशेंट की और कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, कैसे हम फास्फोरस के पेशेंट को पहचान सकते हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। हेल्थ केयर के ऑथेंटिक जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि नया अपडेट आपको मिलता रहे। दोस्तों, फास्फोरस का जो पेशेंट होता है उसके अंदर जलन बहुत पाई जाती है। डॉक्टर नेस कहते हैं कि जो सबसे तीन मुख्य दवाएं हैं जिनके अंदर जलन पाई जाती है, उसमें आर्सेनिक, फास्फोरस और सल्फर है। तो दोस्तों, इसमें शरीर में आपको कहीं कहीं शरीर में अवश्य जलन पाई जाएगी। इसके अलावा जो फास्फोरस का पेशेंट, जैसे कि आप मेरी पुरानी वीडियो में देखेंगे कि लंबा होता है, दुबला पतला होता है, चेस्ट उसकी सिकुड़ी हुई होती है, ठंडे पानी की बहुत ज़्यादा प्यास होती है, पेशेंट बहुत धीमे धीमे चलता है, धीमे धीमे बोलता है, ये इसकी बड़ी खास बात होती है दोस्तों। पेशेंट को पहचानने में बहुत आसानी से होगी आपको। दोस्तों, फास्फोरस के बारे में जैसा कि मैंने आपको बताया पिछली वीडियोज में कि एक हेमरेजिक मेडिसिन है, हेमरेजिक डायथेसिस इसका, और ब्लीडिंग इसका एक प्रमुख सिम्टम है। खासतौर से थोड़ा भी चोट लगने पे, थोड़ा भी कट होने पे अगर ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाए, हल्की सी चोट की वजह से, हल्का से घाव की वजह से अगर ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाए, तो वैसे केस के लिए फास्फोरस दोस्तों बहुत अच्छी दवा है। फास्फोरस की ब्लीडिंग की खास बात क्या होती है कि फ्रिक्वेंट होता है, बार बार होता है, और जब ब्लीडिंग होनी शुरू होती है तो ब्लड की जो आप क्वांटिटी देखेंगे ज़्यादा मात्रा में होता है, थोड़ी देर रुकता है, फिर होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा जो ब्लड का आप अगर क्वालिटी देखेंगे तो पनीला होता है, मतलब पानी की जैसा ज़्यादा होता है, वाटरी जैसा ज़्यादा होता है, और थक्का कम बनता है दोस्तों। कहने का सेंस ये है कि थक्का कम बनता है। तो इसमें क्या होता है, कोगुलेशन पावर बहुत ही कम होती है, थक्का नहीं बन पाता है। जैसा कि आप देखेंगे कि हीमोफीलिया की कंडीशन में ज़्यादातर ऐसी कंडीशन होती है कि वहाँ पर थक्का नहीं बन पाता, तो हीमोफीलिया के लिए बहुत अच्छी दवा होती है फास्फोरस दोस्तों। और भी कई सारी दवाएं हैं लेकिन उसमें से एक फास्फोरस भी है दोस्तों। फास्फोरस की जो ब्लीडिंग होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें थक्का जल्दी नहीं बन पाता है, पतला ब्लड आता है, और ये कंडीशन अगर आपको कैंसर में या किसी अदर बीमारी में नाक से मुंह से अगर खून आता है या स्टूल के माध्यम से खून जाता है, बाथरूम के माध्यम से खून आता है, ब्लड जाता है, तो इन सारी कंडीशन में दोस्तों फास्फोरस फायदा करती है। फास्फोरस का एक बड़ा खास सिम्टम होता है दोस्तों कि सीने में बड़ा भारीपन महसूस होता है, जैसे लग रहा है कोई पत्थर रखा हुआ है। तो ऐसे सिम्टम पे फास्फोरस अच्छा काम करती है। कभी कभी दोस्तों आप देखेंगे कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान कुछ लेडी ऐसी होती हैं जो कि पानी नहीं पी पाती हैं, पानी अगर देख लें तो उनको उल्टी हो जाती है। इन कंडीशंस में फास्फोरस अच्छा काम करती है। कभी कभी प्रेग्नेंट लेडी में आप देखेंगे कि जब वो नहाती हैं तो आंखें बंद कर लेती है दोस्तों, उस पानी को देख नहीं सकती हैं। इसमें आप कंपेयर कर सकते हैं लाइसिन को भी। तो दोस्तों, इन सारे सिम्टम पे फास्फोरस बहुत अच्छा काम करती है। फास्फोरस के पेशेंट का कभी कभी देखेंगे कि उसका जो लैरिंग्स होता है दोस्तों, जिसको स्वरयंत्र बोलते हैं, वह इतना पेनफुल होता है कि पेशेंट बात नहीं कर सकता है। सोरनेस, रानेस, सूखा सा महसूस होता है, और खराशी महसूस होती है, दर्द होता है वहाँ पे। तो इन सारे सिम्टम पे दोस्तों फास्फोरस अच्छा काम करती है। फास्फोरस दोस्तों एक बहुत अच्छी दवा है खांसी की। फास्फोरस की खांसी की कुछ खास विशेषताएं हैं कि पेशेंट अगर गर्म कमरे से या गर्म से ठंडे में अगर चला जाए तो उसकी खांसी बढ़ जाती है दोस्तों। यह ठीक विपरीत होता है ब्रैनिया के। ब्रैनिया का जो पेशेंट होता है वह ठंडे से जब गर्मी में जाता है, यानी एसी से अगर बाहर निकल जाए गर्म में, तो उसको खांसी बढ़ जाती है, जबकि फास्फोरस का इसका उल्टा होता है। तो दोस्तों, इसके साथ साथ में कुछ और भी सिम्टम्स हैं इसकी। जो खांसी होती है बढ़ती है खासतौर से बोलने पर, कुछ भी खाने पर, पीने पर, गाना गाने पर, ठीक है, मतलब बोलने का जब भी काम करेगा, ठीक है, पढ़ने पर, तो इन सारी कंडीशंस में इसकी खांसी बढ़ जाती है। बाईं तरफ अगर पेशेंट लेट जाता है दोस्तों तो भी इसकी खांसी बढ़ जाती है। इस सिम्टम इसको हम कंपेयर कर सकते हैं ड्रोसेरा और स्टेनामेट के साथ में दोस्तों। दोस्तों, खांसी की जो तकलीफें होती हैं पेशेंट की, आप देखेंगे कि शाम के वक्त में ज़्यादा हो जाती है, शाम को खराश ज़्यादा बन जाती है, शाम को बोलने में आवाज़ नहीं निकल पाती है, स्वर का लोप होना शुरू हो जाता है। ये सारी तकलीफें आप देखेंगे शाम को दोस्तों ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पेशेंट को अगर हंस रहा है, बोल रहा है, तो भी इसकी खांसी बढ़ जाती है।
तो दोस्तों ये सारे सिम्टम्स अगर आपको मिलते हैं तो वहाँ पे फास्फोरस बहुत अच्छा काम करती है। फास्फोरस के पेशेंट के अगर पसीने के बारे में बात करें दोस्तों, तो इसकी पसीने की जो स्मेल होती है वो सल्फर जैसी होती है, सल्फर जैसी महक आती है। लेफ्ट लोअर जा में अगर नेक्रोसिस हो दोस्तों, तो उसकी बहुत अच्छी दवा है फास्फोरस। अस्थि जहाँ पे बोन होती है लेफ्ट साइड की, उसमें अगर क्षय हो, नेक्रोसिस हो, तो वहाँ पे फास्फोरस बहुत अच्छा काम करती है। तो लीवर की बहुत अच्छी मेडिसिन है फास्फोरस। हाइपरट्रॉफी ऑफ लीवर होने के बाद कंडीशन जब ज़्यादा ख़राब हो और लीवर सूख जाए, सिरोसिस की कंडीशन में चला जाए, तो वहाँ पे फास्फोरस से बहुत ज़्यादा फायदा होता था। दोस्तों जो भी सिम्टम्स मैंने बात किए हैं आपसे फास्फोरस के बारे में पिछले 3 वीडियो में, आप देखेंगे ये सारे सिम्टम्स वो हैं जिनके आधार पर फास्फोरस को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों ये कोई भी बीमारी हो, अगर इसके सिम्टम्स मिलते हैं आपको, कॉन्स्टिट्यूशन मिलता है आपको, तो वहाँ पे आप फास्फोरस देते हैं, फास्फोरस बहुत बढ़िया काम करती है। अब हम इसके संबंध के बारे में बात करते हैं, तो इसकी कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन है दोस्तों आर्सेनिक। आर्सेनिक इसकी कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन है और इसकी वेजिटेबल एनालॉग मेडिसिन है एलियम सीपा। दोस्तों फास्फोरस की प्रतिकूल मेडिसिन है कास्टिकम। दोस्तों कास्टिकम का उपयोग न फास्फोरस देने के पहले देना चाहिए, न फास्फोरस के बाद देना चाहिए। फास्फोरस का उपयोग दोस्तों वहाँ पे ज़्यादा किया जाता है जबकि एक्सेस यूज ऑफ साल्ट हो या एक्सेस यूज ऑफ आयोडीन हो, तो इसके जो बैड इफेक्ट्स को दूर करने के लिए फास्फोरस का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों कैल्केरिया कार्ब और चाइना के बाद फास्फोरस अच्छा काम करती है। दोस्तों तो हमें कहते हैं कि किसी ऐसे पेशेंट के लिए जो कि क्रॉनिक लूज मोशन या क्रॉनिक डायरिया से सफर कर रहा हो, वहाँ पे फास्फोरस बहुत अच्छा काम करती है। फास्फोरस के पेशेंट का एग्रीवेशन टाइम होता है दोस्तों इवनिंग के समय में या मिड नाइट के पहले में इसको कंपेयर हम कर सकते हैं पल्साटीला और रस्टॉक्स के साथ में। इसके अलावा दोस्तों थंडर स्टॉर्म या जब अचानक आधी तूफान आने से पहले की जो कंडीशन होती है, उस कंडीशन में भी फास्फोरस के पेशेंट की तकलीफें बढ़ जाती है। दोस्तों शाम के वक्त में जैसे कि मैंने आपको बताया इसकी तकलीफें बढ़ जाती हैं, पेनफुल साइड में लेटने पर या बाईं तरफ लेटने पर इसकी तकलीफें बढ़ जाती हैं, इवन वेदर चेंज होने पर इसकी तकलीफें बढ़ जाती हैं, आइदर कोल्ड या वार्म, कोई भी वेदर चेंज हो तो वहाँ पे इसकी तकलीफें आपको बढ़ी हुई मिलेंगी। दोस्तों ऐसी कंडीशन में इसकी तकलीफें बढ़ जाती हैं। दोस्तों ठंडी हवा से फेस और सिर के जो सिम्टम्स होते हैं उसमें आराम मिलता है, लेकिन पेशेंट को गले में, चेस्ट में या नेक रीजन में ठंडे हवा से तकलीफें बढ़ जाती हैं। दोस्तों फास्फोरस के पेशेंट को दोस्तों आराम मिलता है अंधेरे में या मसलने पर या दाहिनी करवट लेटने पर पेशेंट को आराम मिलता है, सम्मोहित किए जाने पर पेशेंट को आराम मिलता है, ठंडे पानी से या ठंडी चीज़ों से इसको आराम मिलता है जब तक कि वो गर्म न हो जाए, क्योंकि जब वो गर्म हो जाती है तो उसको फिर वही चीज़ें तकलीफ देनी शुरू कर देती है। दोस्तों तो दोस्तों ये सारी बातें हुई आज फास्फोरस के बारे में, ये फास्फोरस का तीसरा और अंतिम वीडियो रहा। मैं दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को फास्फोरस के बारे में जितनी भी जानकारी मैंने दी हुई है सब अच्छी लगी होगी, यूजफुल होगी। दोस्तों यूजफुल अगर हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर भी करिएगा ताकि वो लोग इससे फ़ायदा ले सकें। और फास्फोरस के बारे में दोस्तों और भी कोई जानकारी जो कि मुझसे बहुत सारी चीज़ें छूटी हो तो उसके बारे में अगर आप जानना चाहते हो, कुछ पूछना चाहते हो, तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, कमेंट करिएगा उसके बारे में। जानकारी अच्छी लगी है दोस्तों तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, नोटिफिकेशन बिल्कुल भी दबाइएगा ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो की जानकारी आप लोगों को मिलती रहे। अपना ख्याल रखिएगा दोस्त, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।